हेलो दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आज के एक नए वीडियो में, जिसमें हम लेके आए हैं व्यूअर्स डिमांड के ऊपर टॉप कॉलेजेस फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। यहाँ पर स्टूडेंट्स हर साल सबसे ज़्यादा जिस ब्रांच पे फोकस करते हैं वो होती है कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो हमने सोचा क्यों ना एक कंप्यूटर इंजीनियरिंग के ऊपर टॉप 10 कॉलेजेस के ऊपर एक वीडियो बनाया जाए। तो आज के वीडियो में हम यही कवर करने वाले हैं, टॉप 10 कॉलेजेस फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। वीडियो के अंदर मैं कॉलेज का नाम, कॉलेज का टाइप, कॉलेज की लोकेशन, कॉलेज की फ़ीस और पिछले साल की कट ऑफ, ये 5 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाला हूँ। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखिएगा। अब यहाँ पर मैं एक डिस्क्लेमर दे दूँ कि मैंने सेम इसी तरह के वीडियो यहाँ पर कंप्यूटर, कंप्यूटर साइंस, ICT, IT और बाकी कोर इंजीनियरिंग ब्रांच के लिए भी बना दिए है, तो वो वीडियोज़ भी आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हो। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलेज। तो यहाँ पर मेरे हाथ में पूरा लिस्ट है, तो यहाँ पर मैंने बहुत ही डीपली एनालिसिस करके यहाँ पर पूरी एक लिस्ट निकाल के दी है। तो यहाँ पर मैं कंप्यूटर इंजीनियरिंग में पहले नंबर की कॉलेज की बात करूँ, तो यहाँ पर मैं पहले नंबर पर आएगी धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी, और जिसके अंदर मैं ग्रांटेड कॉलेज की बात कर रहा हूँ कि वो हर साल पहले नंबर पर होती है फॉर कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो पहले नंबर पर है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी ग्रांटेड कॉलेज। तो यहाँ पर कॉलेज का टाइप है ग्रांटेड और फीस रहेगी 1500। लोकेशन है इसका नड़ियाद, ठीक है। कट ऑफ इसका क्लोज हुआ था 227 के ऊपर और यहाँ पर फीस है 1500। अब यहाँ पर आप ये बोलोगे कि सर आप कंप्यूटर के बारे में बात करें तो यहाँ पर आपने निर्मा यूनिवर्सिटी को क्यों कंसीडर नहीं किया और DDO क्यों पहले पा गई। तो दोस्तों मैं यहाँ पर पहले बता दूँ, डिस्क्लेमर इज कि यहाँ पर आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नॉट दी कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग। निर्मा यूनिवर्सिटी में जो कोर्स ऑफर होता है वो है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, नॉट की कंप्यूटर इंजीनियरिंग। तो ये वीडियो में हम पर्टिकुलर कंप्यूटर इंजीनियरिंग बारे में ही बात करने वाले हैं, नॉट विद दी कंप्यूटर साइंस और ICT और एनी अदर कंप्यूटर रिलेटेड ब्रांच। दिस वीडियो इज मेनली फोकस ओनली एंड ओनली फॉर दी कंप्यूटर इंजीनियरिंग, नॉट फॉर दी अदर रिलेटेड ब्रांचेस। सो फर्स्ट नंबर ऑफ कॉलेज इज ऑलरेडी रिवील्ड। नाउ लेट्स मूव टू द सेकंड नंबर ऑफ कॉलेज विच इज द सेम कॉलेज बट द टाइप इज डिफरेंट। सेकंड नंबर पर यहाँ पर कॉलेज आती है धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस, यानी कि यहाँ पर पहले नंबर पर कंप्यूटर में जिसने क्लोज किया था वो था ग्रांटेड, सेकेंड नंबर पर वही कॉलेज की आती है सेल्फ फाइनेंस ब्रांच। तो डिटेल सारी सेम रहेगी, सिर्फ और सिर्फ फीस यहाँ पर बढ़ के हो जाएगी 1,69,000, ठीक है। जहाँ पर पहले नंबर पे प्राइवेट कट ऑफ क्लोज होता था ग्रांटेड में जो था यहाँ पर कट ऑफ 227, सो सेल्फ फाइनेंस में ये कट ऑफ क्लोज होता है 402 के ऊपर, यानी कि 227 से 402 इतना आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है। मेनली यहाँ पर मैं यही कहना चाहूँगा कि यहाँ पर आप प्रायोरिटी दीजिए धर्मसिंह देसाई यूनिवर्सिटी में ग्रांटेड कॉलेज में एडमिशन लेने की, ठीक है। मूविंग ऑन टू द थर्ड नंबर ऑफ ब्रांच। तो यहाँ पर थर्ड नंबर ऑफ कॉलेज है LD कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद। यहाँ पर इसकी फीस है 1500 रुपीज़। इसका टाइप है गवर्नमेंट कॉलेज। अब यहाँ पर लोकेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है अहमदाबाद, तो इसका कट ऑफ के बारे में बात करें तो 586 लास्ट ईयर का कट ऑफ यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। चौथे नंबर पे जो कॉलेज आती है वो है यहाँ पर बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय कॉलेज, ग्रांटेड कॉलेज है। तो यहाँ पर इंस्टीट्यूट टाइप मैंने ऑलरेडी बोल दिया ग्रांटेड, तो इसकी एक साल की फीस है यहाँ पर 1500 रुपीज़। लोकेशन है इसका वल्लभ विद्यानगर। पिछले साल के अगर हम कट ऑफ की बात करें तो यहाँ पर पिछले साल का कट ऑफ क्लोज हुआ था 970 के ऊपर। यहाँ पर मैंने अभी तक 4 कॉलेज कवर किए हैं। उसके बाद मैं 5वें नंबर पर कॉलेज आती है विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज। पिछले साल का कट ऑफ क्लोज हुआ था 1420 के ऊपर। इंस्टीट्यूट टाइप गवर्नमेंट है, एक साल की फीस रहेगी 1500 रुपीज़। लोकेशन इसका रहेगा अहमदाबाद। तो यहाँ पर VGEC इज़ ऑल्सो अ गुड चॉइस टू कंसिडर एज द कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। उसके बाद अगर हम कॉलेज की बात करें तो वो है यहाँ पर पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, यानी कि PDU, गांधीनगर में लोकेशन है। पिछले साल के अगर हम कंप्यूटर इंजीनियरिंग के बारे में बात करें तो यहाँ पर कट ऑफ क्लोज हुआ था 1475। इंस्टीट्यूट टाइप इसका सेल्फ फाइनेंस है, लोकेशन गांधीनगर है और एक साल की फीस मोर देन 2 लाख है। फॉर दिस ईयर ACPC हैज नॉट येट ऑफिशियली डिक्लेयर वॉट इज द फीस, बट सूनर और लेटर दे विल डिक्लेयर इट, ओके। तो यहाँ पर इसके बाद कॉलेज आती है चारूसत यूनिवर्सिटी। पिछले साल का कट ऑफ है यहाँ पर 2387। चारूसत के अंदर चंदूभाई एस पटेल और देवांग पटेल करके दो डिफरेंट इंस्टीट्यूट है, बट एक ही कैंपस में आते हैं और एक ही कॉलेज, मतलब एक कॉलेज नहीं है बट कैंपस इसका सेम ही है, यूनिवर्सिटी भी इसकी सेम ही रहने वाली है, ठीक है। चारूसत के कट ऑफ के बारे में बात करें तो 2389 इसका कट ऑफ था पिछले साल का, और यहाँ पर इस साल की यहाँ पर फीस डिक्लेयर नहीं की है, बट आपको टेंटेटिवली 1.5 लाख से ऊपर यहाँ पर मान के चलना होगा। लास्ट कॉलेज रहने वाली है विच इज़ IIT राम। तो ये आती है अहमदाबाद के मणिनगर के एरिया के अंदर। ये एक ऑटोनोमस कॉलेज है और इसके यहाँ पर पिछले साल का कट ऑफ था 2447। इसकी फीस ऑलमोस्ट आप 1 लाख कंसीडर कर सकते हो। गर्ल्स और बॉयज़ के लिए यहाँ पर फीस डिफरेंट रहने वाली है।
लास्ट के अंदर नाउ लेट्स टॉक अबाउट द एनालिसिस फॉर द कंप्यूटर इंजीनियरिंग ब्रांच। दोस्तों मैं यहाँ पर यही कहना चाहूँगा कि आप कंप्यूटर इंजीनियरिंग जैसे ब्रांच सिलेक्ट कर रहे हो तो मैं एक बार लिस्ट रिपीट कर देता हूँ। धर्मश्रीजी देसाई यूनिवर्सिटी ग्रांटेड, धर्मश्रीजी देसाई यूनिवर्सिटी सेल्फ फाइनेंस, एलडी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग अहमदाबाद, बिरला विश्वकर्मा महाविद्यालय ग्रांटेड, विश्वकर्मा गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट, पंडित दीनदयाल एनर्जी यूनिवर्सिटी, चारूसत यूनिवर्सिटी एंड आईआईटी राम। तो कुल मिला के यहाँ पर इस तरह के यहाँ पर पूरी की पूरी कॉलेज आप देखने को मिल रही है। यहाँ पर ओवरऑल कॉलेज की बात करें तो मोस्टली यहाँ पर गवर्नमेंट कॉलेज है, तो आई वुड रिकमेंड कि फर्स्ट ऑफ ऑल यू शुड डेफिनेटली कंसिडर गवर्नमेंट कॉलेज। अगर गवर्नमेंट कॉलेज में नहीं जाना है तो फिर आप प्राइवेट को सिलेक्ट कर सकते हो, बट इसके सामने आप अदर ब्रांच की कंसिडर कर सकते हो, जैसे कि यहाँ पर दूसरी गवर्नमेंट कॉलेज में आईटी ब्रांच, इसके अलावा दूसरी गवर्नमेंट कॉलेज में यहाँ पर सीएसई ब्रांच, यानी कि यहाँ पर जीईसी पार्टनर एंड कंप्यूटर साइंस ब्रांच भी आपको ऑफर कर रहा है। तो आप कुछ कुल मिला के इस तरह से भी यहाँ पर दूसरी कॉलेज आप देख पाओगे, ठीक है। सो या दैट्स इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इफ यू हैव एनी डाउट्स देन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू, बाय बाय।